आरफा करीम रंधावा इन अफराद में से एक थी जिन्हें कुदरत ऐसी सलाहियतों से नवाजती है कि वह बरसों की तरक्की दिनों में कर लेती हैं। आरफा करीम फैसलाबाद के एक नज़दीकी गांव रामदेवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। वह बचपन से बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। 9 बरस की उम्र में इसने कंप्यूटर में दिलचस्पी लेना शुरू की। इसकी गैर मामूली सरगर्मियों को देखते हुए इसके वालदैन ने इस पर भरपूर तवज्जो दी, जिसके नतीजे में सिर्फ 9 बरस की उम्र में आरफा करीम ने 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया, जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली आरफा करीम को दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने मुलाकात के लिए अमेरिका मदऊ किया, जहाँ इसे दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। बिल गेट्स ने आरफा करीम से 10 मिनट मुलाकात की, आरफा करीम की हौसला अफजाई भी की। कहा जाता है कि आरफा करीम से ज़्यादा बिल गेट्स इससे मुतासर नज़र आ रहे थे। इन्होंने आरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया। ये ना सिर्फ आरफा, इसके वालदैन, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात थी। इस मुलाकात में बिल गेट्स ने आरफा करीम को कहा, ओह तो ये भी पाकिस्तान का एक चेहरा है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां भी वहां हैं। आरफा करीम ने बड़े एतमाद से बिल गेट्स से कहा, पाकिस्तान का बस यही चेहरा है। आरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया और तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। आरफा करीम को 2005 में इसकी सलाहियतों के एतराफ़ में सदारती अवार्ड, मादर मिल्लत जिना तलाई तमगे और सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया, जिसको हासिल करने के लिए उम्र लग जाती है। 22 दिसंबर 2011 को आरफा करीम को घर पर मिर्गी का दौरा पड़ा। इनको फौरी तौर पर CMH अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इनको दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई, जिसकी शिद्दत से वो कोमे में चली गई। वो 2012 में 26 दिन कोमा में रहने के बाद 14 जनवरी बरोज़ हफ्ता लाहौर के CMH अस्पताल में अल्लाह को प्यारी हो गई। 14 जनवरी शब 10 बजे तमाम पाकिस्तान की चैनल्स पर इनकी अफसोसनाक खबर नशर हुई। पूरा पाकिस्तान सदमे से निढाल हो गया। पाकिस्तान की बेटी पुर इसरारियत के पर्दों में छुपी हुई परी पुरसरार तौर पर इस दुनिया से कूच कर गई। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, आरफा इनमें से एक थी। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में जो आरफा करीम रंधावा को दस्तरस थी, इसको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने बाद अजमर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर आरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया, जो आजकल आरफा करीम टावर के नाम से जाना जाता है। अलावा इनके गांव को भी आरफा करीम का नाम दे दिया गया।